आई एम रबिंग पेस्ट ऑन माई बैंगल। ये सिल्वर बैंगल है, ये बहुत ही ब्लैक हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको साफ कैसे करेंगे। पेस्ट लेना है ब्रश पे और इसको लगा के रखना है 10-15 मिनट। गर्म पानी में रखना है और उस गर्म पानी में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डालना है और थोड़ा सा शैम्पू डालना है। बस इसको हमने ऐसे कर दिया, लगाया। सेकंड बैंगल आती हूँ। ओहो, ये सेकंड बैंगल। ये पेस्ट लगाया ब्रश पे, इसको किया हमने बंद। ये देखिए ऐसे पकड़ी बैंगल, ठीक है ना। देखो ये कितनी ब्लैक है। सिल्वर बैंगल मैंने तला ज्वेलर से ली थी, जम्मू ब्रांच, वहाँ से। मैंने इसको यूज़ नहीं किया, ये ब्लैक हो गई। ये देखो ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। इसको रब कर दिया अच्छे से, फिर मैं इसको डालूँगी गर्म पानी में, उसको थोड़ा सा शैम्पू और वॉशिंग पाउडर डाल के सोक करेंगे हम 10-15 मिनट, ठीक है। ये हो गई। अब मैं आपको दोनों बैंगल्स दिखा देती हूँ। ये देखिए ये दोनों बैंगल्स। अब मैं इसको गर्म पानी में वॉशिंग पाउडर और शैम्पू डाल के उसमें ये सोक करने के लिए रख दूँगी 10-15 मिनट्स। उसके बाद आई विल शो यू। देखिए अभी ब्लैक है ना, गंदी सी। अब मैं आपको इनको दिखा दूँगी, ठीक है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय। ये मैंने इसमें गर्म पानी लिया, ये देखो, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पाउडर डालूंगी, ठीक है, वॉशिंग पाउडर थोड़ा सा डाल दिया। ओके, इसको मैं करूंगी मिक्स। अब कुछ है नहीं, पानी गर्म है, इसलिए इसे ब्रश से कर रही हूँ। शैम्पू आपने डालना है डालें, नहीं डालना नहीं भी डाल सकते हो, डालोगे तो अच्छी बात है। ये देखिए, ओहो ना, अब कैमरा में गिर गए, मोबाइल में गिर गए। ये है बेकिंग सोडा। ये फ्रंट कैमरा मैंने ऑन किया, ये आपको उल्टा दिखाई देगा। ये भी हमने डालना है, आधा चम्मच डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा अभी यहाँ। इसको भी मैं पेस्ट ब्रश गीला हो गया ना, उससे नहीं डालूंगा। तो है नहीं, अब किचन में जाऊंगी तब तक मोबाइल गिर जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये बेकिंग सोडा है, डाल दिया इसमें। ये किया मिक्स, ओके, कर दिया मिक्स। ये आपकी बैंगल्स जो गंदी वाली थी, ठीक है। 1-2, आप इसका वेट करें, टिक 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 टिक, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10। आप 10-15 मिनट्स वेट करें, ठीक है। तो उसके बाद में आई विल शो यू, ओके, बाय बाय। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो अब हम चेक करते हैं इसको, एटलीस्ट 20 मिनट्स हो गए, उससे मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है। ये देखिए, मैं इसको रब करती हूँ। वीडियो में पता नहीं आ रहा ये क्लियर बैंगल आपको दिखाई दे रहा है, मगर ये कलर बहुत ब्लैक था, अब ये सिल्वर हो गया है। मैं इसको थोड़ा साफ करके आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप पिक्चर्स में भी देखना, जो पहले वाली थी वो और इसमें डिफरेंशिएट हो जाएगा।
ये देखिए काफ़ी फर्क पड़ा है, बहुत मैल निकली है। ये देखिए अभी मैंने इसको रब भी नहीं किया है, मैं करती हूँ। ये बहुत ब्लैक हो चुकी थी, इसलिए जब भी कोई सिल्वर ज्वेलरी जो है आपने नहीं पहननी है तो उसको पेपर में, जिप लॉक पेपर में बंद करके, पॉलीथीन होना चाहिए मगर, जिप लॉक पॉलीथीन, वो जो छोटे पेपर्स आते हैं बैग, जिप लॉक बैग जो छोटे छोटे आते हैं, उनमें पैक करके उसमें ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, फिर ये ब्लैक नहीं होता है। देखिए 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 कितना प्यारा बन गया, एकदम से नया, सारा वो जो ब्लैक था सारा वो निकल गया। मैं पहना के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया है, मैं पिक्चर्स भी रखूँगी इसमें, आप फोटो तो में भी देखी। ये नेक्स्ट वन, रब करना है अच्छे से, ब्रश करना है इसको, बैंगल को भी आज ब्रश करवाएंगे, इसको भी मैल पड़ गई, इसकी जो पर्ल्स हैं इनको ब्रश 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 ब्रश। ये देखिए जी, ये देखिए दोनों बैंगल्स आपके सामने, बहुत फर्क पड़ गया, ये बहुत ब्लैक थी मगर अब ये अच्छी बन गई है, एकदम से नई। मेरा मोबाइल भी यहाँ मैंने ये टैब के ऊपर रखा है, बार बार गिर रहा है। ये देखिए अब मैं आफ्टर वॉश दिखाऊंगी इसको, एकदम से ब्रांड न्यू बैंगल्स आ गए जी। अब मैं पिक्चर्स भी डालूंगी, वो भी देखना आप। ये देखिए अब मैं अंदर रूम में दिखाऊंगी आपको, ऐसे पता नहीं दिख रही है कि नहीं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, सिल्वर की कोई भी चीज़, रिंग है, इयर रिंग्स हैं, ब्रेसलेट हैं, बैंगल्स हैं, कोई भी। एकदम से नई बन गई है, सारा वो ब्लैक ब्लैक ख़त्म हो गया, ब्रांड न्यू लग रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी घर पे कपड़ों को ड्राई क्लीन कैसे करें, नेक्स्ट वीडियो होगा ड्राई क्लीन, जो आप महंगी महंगी ड्रेसेस होती हैं, पार्टी वेयर ड्रेसेस होती हैं, पाकिस्तानी ड्रेसेस होती हैं, लॉन सूट्स होते हैं हमारे, शिफॉन सूट्स होते हैं, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स होते हैं, तो ड्राई क्लीन में तो बहुत पैसा वेस्ट हो जाता है जो आप बाहर देते हो ड्राई क्लीन के लिए, और वेट करें, वेट करना पड़ता है, पैसे इतने ज़्यादा लगते हैं, इससे अच्छा घर पे खुद ड्राई क्लीन करें। मैं आपको बताऊँगी दूसरे वीडियो में, आप देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखें, बाय बाय।